सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डू योर पार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कोरोना नाम की बीमारी जो कि अब इंडिया में भी आ चुकी है और उससे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। सो गाइस, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है लेबर क्लास वाले लोगों को, जो मतलब दिहाड़ी पे काम करते थे, जो एक दिन में काम करके एक दिन में अपना मतलब खर्चा चलाते थे या अपने घर वालों को पालते, सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। हम जैसे लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ है, हम लोग तो फिर भी अपने घर के अंदर बैठे हैं, बट उनके बारे में सोचो जो जिनके पास कोई भी बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास अपने घर जाने के लिए गाँव, वो बेचारे पैदल रोडों पर जा रहे हैं। ना गवर्नमेंट उनको कोई मतलब कुछ करवा के दे रहा है कि बस करवा दे या ट्रेन करवा दे, कुछ भी करवा दे, मतलब कम से कम उनको उनके घर तो भेज दो। कल मैंने टिकटॉक पे वीडियोस देखी दो तीन, जिसमें बेचारे वो मतलब एक एक फुट एक एक मीटर की दूरी पे सारे बैठे हुए हैं और कि कुछ लोगों ने उनको खाना दे रखा है और वो खाते खाते बेचारे रो रहे हैं कि हम कैसे पहुँचेंगे कैसे पहुँचेंगे ये वो। तो लोग उनको थोड़ा मोटिवेट करें, कोई दिक्कत नहीं, आप रो मत। तो वो चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, तो मैंने ये सोचा आज की वीडियो में कि मैं मेरे से जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा करूँगा उनके लिए या आप भी करो, ऐसा कुछ नहीं, जिससे जितना हो सके थोड़ा थोड़ा भी हो सके ना, तो जिससे जितना भी हो सके ना थोड़ा थोड़ा, तो जो भी मतलब जिसको नीड है किसी चीज़ की उसकी उसको जाके हेल्प करे। सो मैंने कल रात को ही सोच लिया था, अपनी मम्मी से बात कर लिया था कि मैं पुलाव वाले चावल बनाऊँगा, मतलब मम्मी बना के देगी, मेरे को तो आते नहीं है, तो वो मैं जाके बांटूँगा और मैं उनको बांटूँगा जिनको उस चीज़ की सच में नीड होगी, जिनको सच में उसकी वैल्यू पता होगी। ये नहीं कि जिनके मतलब पहले से ही घर है यहाँ पे, मतलब मैं अब बोलना ज़्यादा लोग समझ जाते हैं बाकी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है मैं उन्हीं को जाके दूँ। सो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ या दिखा रहा हूँ देते वक्त। लोग कहते हैं कि अगर तुम दे रहे हो तो दे दो, पर ऐसे बताओ मत या वीडियो मत बनाओ। बट मुझे जितने भी 1.5 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, छोटे छोटे लोग या छोटे छोटे बच्चे या छोटे छोटे लड़के या कुछ बड़े लोग भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे इंस्पायर होए, उनसे खुद से जितना हो सके वो खुद से करे। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी चीज़ मैं दे रहा हूँ आप भी उतनी ही दो लोगों को, आप गाइस एक 50 रुपये की बिस्किट लेके भी ना, वो भी 5 लोगों में दे दोगे ना, तो उनकी वो 5 दुआएं भी ना बहुत काम आएंगी। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप किसी की भी हेल्प करें, किसी की भी, आप उससे या पैसों के बदले ना, पैसों के बदले उनसे दुआएं ले लो, क्योंकि दुआएं ही हैं ऐसी चीज़ें जो लास्ट तक काम आती है इंसान की। पैसा, फ़ोन, घूमना फिरना, गाड़ी, बंगले, कुछ काम नहीं आता, कुछ भी नहीं। जब मौत आती है तो सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, दुआएं। अगर आपने अच्छे काम करे होंगे ना तो ही आपको भगवान बचा लेगा, अदरवाइज। सो गाइस, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अपनी वीडियो में, क्योंकि फिर वो काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण हो जाएगा और मैं इस तरीके के मतलब करता नहीं हूँ। बट मेरा कल मैंने वो वीडियोस देखी 3-4, तो मेरे को थोड़ा हर्ट हुआ, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, आपको इंस्पायर कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब नीचे चलते हैं और अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि मैं चावल बनाने स्टार्ट करवाता हूँ अपनी मम्मी से। मैं सिर्फ ब्रश करके और मुँह धो के आ गया था, तो अब नीचे चलते हैं, फिर मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाऊँगा जो मेरी हेल्प करेंगे। और गाइस, मैं आज मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह, मतलब अपने आप को अच्छे से कवर करके अपनी पहली अपनी सेफ्टी लेके फिर जाऊँगा। सो गाइस, आप भी किसी की हेल्प करें इस मौके में, मतलब कोरोना टाइम में, तो मतलब अपनी सेफ्टी पहले है, अपने आप को कवर करके जाएं।
गाइस अभी हम चावल और क्या कहते हैं परांठे और फ्रूटीज हम मतलब बांट के आए सबको, तो मेरा थोड़ा और दिल करा तो मैं अब मतलब ह्यूमन बींग्स को दूंगा जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दोबारा देने लगा हूँ। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये पता नहीं चुकंडी में दुकान है, ज़्यादातर सामान मैं यहीं से लेता हूँ, घर का राशन वाशन तो यहाँ पर अच्छी बातचीत है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं टोंड दूध, पाँच किलो ले लेना और वो भी ले लियो जो क्या कहते हैं उसको ढूंढे। हाँ तो भाई जस्ट नो अभी मैं अपने घर पे आऊँ और घर पे आते सारे पहले मैं नहाने गया हूँ, उसके बाद जो मेरे पहले वाले कपड़े थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। और गाइस आज सबकी हेल्प करके मुझे इतना अच्छा लगा कि पूछो मत, बहुत अच्छा फील हुआ। आप भी ट्राई करो, मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा फील होता है दूसरों की हेल्प करके। और गाइस हमने आज उन्हीं को दिया जिनको उस चीज़ की ज़रूरत थी, फ्रूटीज हमने छोटे बच्चों को दिए, बड़े बड़ों को नहीं दिए। एक जगह तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी लग गई थी, वो कह रहे हमें दो बट हमने दी नहीं उनको, जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे हमने उन्हीं को देखे, वहाँ से हम चले गए। सो गाइस आज की मेरी वीडियो का मतलब यही था कि आप मुझसे इंस्पायर होकर लोगों की हेल्प करें जितना आपसे हो सके, डू योर पार्ट। सो गाइस तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए जब तक बाहर मॉल ठीक नहीं हो जाता। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।